All right, BJP MP Ramesh Bidhuri has got some support from a fellow leader, and this is actor-turned-neta Ravi Kishan. Ravi Kishan is accusing Danish Ali, the Bahujan Samaj Party MP, of heckling in the parliament that led to Ramesh Bidhuri to respond. BJP MP Ravi Kishan has waded into this politics and has blamed it on Danish Ali for heckling in the parliament. Ravi Kishan has said, and I quote him here, Danish Ali is a regular offender. And he's now, and Ravi Kishan is urging Lok Sabha Speaker to investigate this case further. Specifically, what did Danish Ali say that led to Ramesh Bidhuri to respond? मैं उस सब शब्दों को और उनकी बातों को स्टेटमेंट को जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन बात यह है कि अगर रमेश बिदुड़ी जी पर माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। मैं दो बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मेरे पर मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था। लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। Alright, this is interesting. Remember, even when the BJP senior most leadership has questioned Danish Ali, he's got a show cause notice too. But Ravi Kishan has come out in support, and he's saying it's not just about what Ramesh Bidhuri has said. What provoked him? What led him to say the comments that he did against Danish Ali specifically? Even if he does not support what Bidhuri had said, that Danish Ali can also not be allowed to let go that easily, and he's also made a lot of inappropriate comments, and it should be looked into this time as well. Himanshu Mishra gets us that reaction and that statement. Himanshu, पहले नेता होंगे भारतीय जनता पार्टी के, openly ये तो कह रहे हैं, चाहे support नहीं कर रहे हैं, कि कम से कम investigate तो करिए कि Danish Ali ने ऐसा क्या कहा जिसमें रमेश बिदुरी ने respond किया। ये क्यों कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को और भी कहा जा रहा है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट फर्दर करें। देखिए बिल्कुल, और ये पहले सांसद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने जो है रमेश बिदुड़ी को सपोर्ट किया हो। निशिकांत दुबे ने कल स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने कहा था कि सीरियल ऑफेंडर है दानिश अली, जब भी कोई रूलिंग पार्टी का सांसद खड़ा होता है बोलने के लिए उसमें इंटरप्ट करते हैं, उसमें टोकाटाकी करते हैं। और जब रमेश बिदुड़ी कुछ बोल रहे थे, प्रधानमंत्री को प्रेस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि विपक्ष क्यों चिढ़ता है, तो वो उस पर टोकाटाकी कर रहे थे और इसीलिए जो है इस तरीके का बिहेव देखने को मिला। और ये पहला कोई वो नहीं है दानिश अली को लेकर, उन्होंने कहा सीरियल ऑफेंडर है, खुद रवि किशन ने चिट्ठी लिख दी स्पीकर को। और मुझे पूजा एक चीज और याद आती है, पिछले जब मानसून सत्र था तब भी दानिश अली की भारतीय जनता पार्टी की के जो मंत्री है केंद्र सरकार में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं उनसे भी कहा सुनी हुई थी दोनों के बीच में, तब भी मामला बढ़ गया था लेकिन तब कंट्रोल कर लिया गया था। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदुड़ी के साथ खड़े नजर आना चाहते हैं, क्योंकि रमेश बिदुड़ी को पार्टी की तरफ से सोकोस। और रवि किशन ये भी कह रहे थे कि मुझसे भी पहले दानिश अली ने एक बार मेरे परिवार के बारे में काफी कुछ कहा है पब्लिक डोमेन में, परहैप्स देयर इज मोर टू इट इन दिस केस, बट नेवरदलेस देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज एंड नो जस्टिफिकेशन टू द वर्ड्स यूज्ड बाय बीजेपी एमपी रमेश बिदुड़ी इन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट, एंड दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ आउटरेज इज अबाउट। थैंक यू सो मच हिमांशु मिश्रा विद द लेटेस्ट ऑन दिस बिग स्टोरी।